children, today we will do a poem, A Smile, from Marigold book, grade 2, CBSE. बच्चों, ये जो हमारी poem है, Smile, Smile से आप क्या समझते हो? Smile एक ऐसी छोटी सी मुस्कुराहट है, जिसे देखकर हर कोई खुश हो जाता है. जैसे अगर आपसे कोई गुस्सा हो, angry हो, तो आप उसके सामने प्यार से मुस्कुरा दो, तो जो उसका गुस्सा है, जैसे वो angry है, तो वो एकदम से गायब हो जाता है और वह आपको देखकर खुश हो जाता है. तो बच्चों, जो हमारी पोयम है, ये एक छोटी सी स्माइल पर है. तो चलिए अब हम अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं. ए स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग, इट रिंकल अप योर फेस एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. अब आप स्माइल को सोचो, जब भी आप मुस्कुराते हो, आपके लिए बहुत फनी सी चीज़ है ये. आपको जब भी आपके चेहरे से पर आती है, तो आपका चेहरा खिल उठता है, आपके चेहरे पर एक स्ट्रेच आ जाता है. बच्चों, जब आप हंसते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, तो आपके चेहरे पर एक स्ट्रेच आ जाता है, और जब आप स्माइल करना बंद कर देते हैं, तो आपको ये नहीं पता चलता कि वो स्माइल कहाँ जाकर छिप गई. आप कभी भी उसकी सीक्रेट हाइडिंग प्लेस को नहीं जान पाते, क्योंकि स्माइल कहाँ से आती है और एकदम कहाँ गायब हो जाती है. कैसे स्माइल आती है? जब आप मुस्कुराते हो, बच्चों, स्माइल कैसे आती है? जब आप मुस्कुराते हो, तो अपने माउथ से स्ट्रेच करते हो अपने चिक्स की तरफ, तो आप स्माइल करते हो. और जब आप एकदम से सीरियस हो जाते हो, तो आपके लिप्स बिल्कुल स्ट्रेट, जो आपके लिप्स होते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, और आपका जो माउथ है वो क्लोज हो जाता है, तो आप स्माइल, तो जब आपकी स्माइल गायब हो जाती है, पर आपको ये नहीं पता वह कहाँ छिप जाती है. बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी वट स्माइल्स कैन डू. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. पर इन सब चीज़ों से और ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या हैं? स्माइल यानी जो हमारी मुस्कुराहट है, ये क्या क्या कर सकती है? अगर आप किसी को देखकर स्माइल करते हो, और सामने से वो भी आपको देखकर रिटर्न स्माइल करता है, तो एक स्माइल से दो स्माइल बन जाती है. स्माइल करना सबको अच्छा लगता है. डू यू लाइक अ फेस? डू यू लाइक अ सैड फेस और ए हैप्पी फेस? सैड फेस कब होता है? जब हम स्माइल नहीं करते हैं. और स्माइल कब करते हैं? जब हम अंदर से खुश होते हैं, और जो हमारी खुशी है, वो भी औरों को खुश कर देती है. तो बच्चों, ये थी हमारी पोयम स्माइल. अब आपको बच्चों क्या करना है, आपको इस पोयम को अच्छे से पढ़ना है, डिफ़िकल्ट वर्ड आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और ये पोयम आपको याद भी करनी है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.